बढ़ते हैं खबरों में आगे। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है और सूचना पर 6 दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें कि आग की सूचना पर बासनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आग की लपटें साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आग लगने के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो गया और दमकल की गाड़ियों को यहां पर बुलाया गया है। 6 दमकल की टीमें यहां पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये भीषण आगजनी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में हुई है। अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर आगजनी की घटना कैसे हुई है और कितना नुकसान इस आगजनी में हुआ है, किन कारणों से ये आग की घटना हुई है, इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल होगी। फिलहाल आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश दमकल की टीम कर रही है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, तमाम यहां पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तो 6 दमकल की टीमें अब तक मौके पर मौजूद हैं, लगातार मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए, कोशिश जारी है। दरअसल आग की सूचना तुरंत प्रशासन को ग्रामीणों ने दी, इसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग की लपटें सीधी तौर पर तस्वीरों में नजर आ रही हैं, धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और आशंका जताई जा रही है कि काफी नुकसान इस आगजनी की घटना में हुई है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है इसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले 6 दमकल की टीमें आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रही हैं। बसनी इंडस्ट्रियल एरिया में आगजनी हुई है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 दमकल की टीमें मौके पर मौजूद, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी यहां मौजूद हैं और लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। संवाददाता अरुण हर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, बसनी इंडस्ट्रियल एरिया में जो आगजनी हुई है, तस्वीरें बेहद भयावह हैं, भीषण आगजनी की घटना, कारण क्या पता चल पाया है, आगजनी की घटना कैसे हुई? शिवानी, मैं बता दूं, जिस तरह से पुलिस के अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कोई कचरे के ढेर में चिंगारी लगी थी, संभवतः शॉर्ट सर्किट था और ये कारण है कचरे में आग लगने के बाद ये आग जो पूरी फैक्ट्री में फैल गई। फैक्ट्री ये आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है, जिसमें करोड़ों का माल तैयार था और कच्चा माल था, वो सारा जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है और सेना की डिफेंस की जो गाड़ी है उनको भी यहाँ बुलाया गया और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।